कार्यकर्ता ने हल्के में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। यहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया, जबकि सीएम दुष्यंत चौटाला ने जनसंपर्क अभियान के तहत ग्रामीणों को संबोधित किया। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि होंडा का ट्रेनिंग सेंटर उचाना खुर्द की ITI में 2 से 3 महीने के अंदर बन जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर को लेकर 1 करोड़ रुपए भी होंडा खर्च करेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि होंडा ट्रेनिंग सेंटर में कोर्स करने वाले युवाओं को होंडा में नौकरी मिल सकेगी। अगर स्थायी सरकार चल रही है, स्थित सरकार चल रही है, फिर मध्यवर्ती चुनाव का तो कोई चर्चा भी नहीं हो सकती। अगर कोई फॉर्मूला है मध्यवर्ती चुनाव लगाने का, पब्लिक के बीच में रखने का काम कर सकते हैं। 60 दिन में हम 250 रुपये पेंशन बढ़ा सकते हैं, तो प्रदेश के बुजुर्गों का सम्मान पहले से भी ज़्यादा बढ़ाने का काम। आज होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया की ओर से एक टीम ITI उचाना का निरीक्षण कर रही है, और यहाँ पर एक स्किलिंग सेंटर की शुरुआत आने वाले भविष्य में हो, जिससे बच्चे यहाँ से ट्रेन होकर एजेंसीज में, फैक्ट्रीज में लगे, इसका कार्य शुरू हो चुका है।